चूल्हे की हीट को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। आज मैं आपसे दावतों में सर्व करने वाला स्पेशल देगी खुशबूदार आलू चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दे, साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दे। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो रेसिपी को शुरू करते हैं इसमें 3 दरमियाने साइज के प्याज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हीट को ऑन कर लेते हैं। इसमें प्योरीफाई मस्टर्ड ऑयल में 1 कप की मिकदार में ले रही हूँ। सरसों के तेल को प्योरीफाई किस तरह से किया जाता है इसकी रेसिपी ऑलरेडी पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ। प्याज को बारीक चॉप कर लिया है। चॉप किया हुआ प्याज 2 कप भर के बन गया है। चूल्हे की आंच को मीडियम लो ही रखेंगे। प्याज को फ्राई होते 4 मिनट हो चुकी है, इसमें कहीं कहीं सुनहरी रंग आ रहा है। सो इसमें 2 खाने वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक की एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाए। प्याज और लहसुन अदरक पे सुनहरा सा रंग आ गया, इसका रंग ज्यादा डार्क नहीं होने देंगे। सो चूल्हे की आंच को लो कर देंगे। इसमें कुछ मसाले शामिल करते हैं। नमक लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच इसमें जाएगा। आधी चाय की चम्मच हल्दी। अगर आपको स्पाइसेस नॉर्मल पसंद है तो इस तरह से लेवल करके 1 खाने वाला चम्मच ले लीजिएगा, और अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं तो ये चम्मच भर के ले लीजिएगा। 1.5 खाने वाला चम्मच खुश्क धनिया, 1.5 टेबल स्पून ये फ्रेश ग्राइंड किया है। मसालों को एक दफा अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। प्याज का रंग ज्यादा गाढ़ा ना हो जाए सो इसमें टमाटर शामिल करते हैं। इसमें 2 दरमियाने साइज के टमाटर का छिलका उतार लेंगे। टमाटर को चॉपर मशीन में डाल के इसका पेस्ट बना लिया था। टमाटर के रस की वजह से प्याज का रंग मजीद गाढ़ा नहीं होगा। 1 खाने वाला चम्मच भर के पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, ये रंग अच्छा करने के लिए इस्तेमाल होती है और जायके में बिल्कुल भी तेज नहीं होती। चिकन में अच्छा सा जायका लाने के लिए मसाले की भुनाई बहुत ही जरूरी है। सो 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में करके डालते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे। इसमें कुछ खड़े मसाले भी शामिल करते हैं। 2 बड़ी काली इलायची, 3 लौंग और 3 सब्ज़ इलायची, 2 दरमियाने साइज के दालचीनी के टुकड़े। प्याज को चॉप करके इसमें डाला था ना, सो मसाला बहुत जल्दी से बन जाएगा। अगर कहीं भी टमाटर का या प्याज का कोई बड़ा टुकड़ा नजर आए तो बस साथ साथ मैश करते जाएं। मसाले को भूनते 1 कप पानी खत्म हो चुका है। सो जैसे ही दोबारा से ऑयल ऊपर आएगा 1 किलो धुले हुए चिकन को इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच को मीडियम हाई रखेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। चिकन क्योंकि 1 घंटे से धो के रखा हुआ था सो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था, और 5 मिनट के बाद दोबारा से ऑयल ऊपर आ गया है। सो इसमें 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालेंगे और इसे भूनते जाएंगे। इससे चिकन में जो भी स्मेल होगी ना वो खत्म हो जाएगी। 16 मिनट हो चुके हैं चिकन का भूनते हुए और 1 कप पानी थोड़ी थोड़ी मिकदार में डालते हुए खत्म हो गया है। और ये देखें कितना जबरदस्त मसाला तैयार हुआ है। गोश्त को गलाने के लिए और शोरबा बनाने के लिए 1 लीटर 4 कप पानी इसमें शामिल करेंगे। इसमें देगी मजेदार सा जायका ट्वेल्व करने के लिए 1.5 खाने वाला चम्मच 1.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसमें 7 दरमियाने साइज के आलू जाएंगे और इन्हें सेंटर से सिर्फ हाफ कट किया है। चिकन का चेक कर लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। सो इसी स्टेज पे आलू भी इसमें चले जाएंगे। एक दफा इस सबको मिक्सअप कर लेंगे जी। और ये ना समझिएगा कि रेसिपी कंप्लीट हो गई, अभी 1-2 बहुत ही अहम इंग्रेडिएंट्स रहते हैं। इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं, हीट को बिल्कुल लो कर देंगे। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। गोश्त तैयार होने से सिर्फ 10 मिनट पहले 1 चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे। पिसा हुआ खुशबूदार सा मसाला इसमें शामिल कर देंगे। 3 हरी मिर्चों को सेंटर से कट लगा लिया है, इन्हें भी शामिल कर देंगे। 10 मिनट के लिए फिर से कवर कर देते हैं। आप अपनी पसंद से जितना भी शोरबा रखना चाहें रख सकते हैं। चूल्हे की हीट को ऑफ कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हीट ऑफ करने से पहले चेक कर लीजिएगा आलू अच्छी तरह से गले हुए हैं तो ठीक है।
बहुत ही मजेदार आलू चिकन तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है, इसके बगैर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।